हमारा शरीर चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए इंसान को इस दुनिया का सबसे सभ्य जंतु भी माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि डर और ठंड के वक्त हमारे शरीर के रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? और क्या आपने कभी किसिंग यानी कि किस के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में सुना है? तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर हमारे शरीर के ऐसे अद्भुत फैक्ट्स दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आप अपने शरीर को चूमने लगेंगे और बोलेंगे ओह माय गॉड। तो चलिए फैक्ट्स शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 8, ये तो आप सबको पता है कि हमारा शरीर कोशिकाएं द्वारा मिलकर बनी हुई है। पर फैक्ट्स ये है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपका करीबन आपके शरीर की 50,000 कोशिकाएं मर गए। दैट मीन्स हमारा शरीर का प्रत्येक सेकंड में करीबन 50,000 कोशिकाएं मर जाते हैं और उसकी जगह नए कोशिका का निर्माण हो जाते हैं। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट्स आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, पर एक मानव शरीर लगभग 7 बिलियन अरब परमाणु व एटम से बना होता है, इसलिए अपने शरीर को प्यार कीजिए। फैक्ट नंबर 6, हम लोग बहुत ही अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, जैसे पिज्जा बर्गर न जाने क्या क्या, पर हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, पर ये एसिड लगभग हर चीज को गला सकता है। जब मैंने कहा हर चीज तो हर चीज रियली में मेरा मतलब है हर चीज को गला सकता है। ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि ये एक रेजर ब्लेड को भी गला देगी, ये एक एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव है, पर आप मेरे बात सुनकर रेजर ब्लेड को खा मत जाना। फैक्ट नंबर 5, हर स्मार्टफोन की कैमरा की क्वालिटी मेगापिक्सल यानी कि एमपी में मापी जाती है। आपका फोन का कैमरा भी 2, 8, 14 या 30 मेगापिक्सल का होगा, पर क्या आपको पता है कि आपका आंखें कितना मेगापिक्सल का है? इसका आंसर है 576 मेगापिक्सल का। इसलिए आप 576 मेगापिक्सल के कैमरे से इस दुनिया को देखते हैं, ये तो गजब है। इसीलिए तो हर कोई बोलते हैं कि एक आंख का 1 करोड़ और 2 आंख का 2 करोड़। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट आपको थोड़ी हैरान कर देगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका फिंगरप्रिंट्स इस दुनिया के किसी आदमी के साथ मैच नहीं होता, उसी तरह आपका जीप का भी टेस्ट यानी कि आपका टंग्स का टेस्ट इस दुनिया के किसी आदमी के साथ भी मैच नहीं होता है। इसलिए उंगली की निशान की तरह प्रत्येक मानव जीव की भी अपनी अलग प्रिंट्स होता है। और ये आपने तो नोटिस किया कि हर किसी को एक ही फूड्स पसंद ही नहीं, और इसका रीजन ये है। फैक्ट नंबर 3, इस फैक्ट को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कहना, वैज्ञानिकों ने किसिंग यानी कि किस के ऊपर रिसर्च करने के बाद एक ऐसे अनोखी बात सामने निकल कर आई कि अगर दो लोग आपस में 10 सेकंड तक किस करते हैं तो करीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओह माय गॉड, मेरे कहने का मतलब है कि जब दो लोग एक दूसरे को किस करते तो दोनों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के ढेरों बस्तियां अपने बोरिया बिस्तर लेकर सामने वाले के मुंह में चला जाता है। ये सुनकर कुछ लोग सोचे होंगे कि अगली बार वो किसी को किस नहीं करेंगे, पर ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में पूरी जानकारी तो लीजिए। पर एक और बात यह है कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाला जितने भी बैक्टीरिया है वो वायरस या कीटाणु मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। बस कुछ बैक्टीरिया है कि जो हमारे मुंह को इन्फेक्शन फैला सकता है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, जैसे कि आप सबको पता है कि मानव शरीर में 5 इंद्रिय यानी कि 5 सेंसेस होते हैं, जो कि इस प्रकार है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ सीइंग एंड सेंस ऑफ हियरिंग। ये तथ्य ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल द्वारा 350 BC में पता लगाया था। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके पास 5 इंद्रिय के अलावा और कई इंद्रिया मौजूद है। अगर साइंटिस्टों के माने तो हमारे 22 से 23 इंद्रिया मौजूद है, जैसे कि सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ टेम्परेचर और सेंस ऑफ पेन और सेंस ऑफ मूवमेंट। जैसे कि हमारे में मौजूद सेंस ऑफ थ्रस्ट हमारे शरीर का हाइड्रोजन लेवल को मेंटेन करने के मदद करते हैं और पानी पीने के लिए कहते हैं। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है।
फैक्ट नंबर वन से पहले अगर आपने मेरा फैक्ट एंड नॉलेज ग्रो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि मैं इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का वीडियो हर 3 दिन के बाद अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए फैक्ट नंबर वन, ये तो आपके साथ हुआ ही है, जब नेशनल एंथम का म्यूजिक सुनते वक्त हो या आप डरते वक्त, आपका बॉडी का पहला रिएक्शन क्या होगा? आपका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर ठंड के मौसम में तेज हवा चलने लगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? दो अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर का एक जैसा ही रिएक्शन, रोंगटे खड़े हो जाना, कैसे हो सकता है? दरअसल ये एक सामान्य शारीरिक घटना है जो हमें पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसे गूसपम्प्स या रोंगटे खड़े होना भी कहते हैं। कई पीढ़ियों पहले जब मनुष्य के बड़े और घना ज्यादा बाल हुआ करते थे, तभी ये प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करता था। इसका अलावा डर के वजह से इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ताकि खतरे की स्थितियों में बाल को फैलाकर हम बड़े दिखाई दे सके। लेकिन अभी छोटे बाल होने की वजह से ये अभी हमारे कोई कारगर नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों को इसे शिकार करने में जरूर मदद मिलती थी। पर आपको इसके बॉडी रिएक्शन के बारे में जान लेनी चाहिए। जब आपका बॉडी डर हो या ठंड के मौसम के वक्त, बॉडी में एक खतरा का स्थिति पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं, ये हार्मोन रिलीज या स्रावित हो जाते हैं, जिसके कारण से रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब से आपका जब भी रोंगटे खड़े हो जाए तो समझ जाना कि आपका शरीर मदद करने की कोशिश कर रहा है, भले ही अभी ये कोई कारगर का ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कौन सी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा जरूर कहना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।